हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लोग पनवेल रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं और ये लोकल ट्रेन के टिकट की लंबी कतार है जहां से फाइनली हमने टिकट ले लिया है। सो फ्रेंड्स, टिकट लेने के बाद हम लोग स्टेशन आ चुके हैं और आपको दिखाती हूं मैं कि पनवेल रेलवे स्टेशन कैसा दिखता है। तो हम लोगों को यहाँ से जुहू बीच जाना है, इसलिए हमने गोरेगांव का टिकट लिया हुआ है और सांता क्रूज में उतरेंगे जो कि गोरेगांव के पहले पड़ता है। हमारी टिकट 11:30 की है तो हम लोग जल्दी आ गए स्टेशन। कोई बात नहीं, आप जब तक पनवेल का नज़ारा देखिए। ये देखिए, एक लोकल ट्रेन आ रही है। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरे पीछे लोकल ट्रेन आ रही है, इसी में हमें बैठना है। तो चलिए अब सफ़र शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये लोकल ट्रेन का डिब्बा है जिसमें हम ऑलरेडी बैठ चुके हैं। सो फ्रेंड्स, हम लोग सांता क्रूज रेलवे स्टेशन आ गए हैं। इसमें करीब 1 घंटा 10 मिनट लगता है और अब हम बाहर की तरफ आ चुके हैं। ये सांता क्रूज स्टेशन के बाहर का नज़ारा है। अब हम इसमें ऑटो टैक्सी करेंगे और जुहू बीच की तरफ चलेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये स्टेशन के बाहर चारों तरफ फूल बाज़ार लगी होती है और इसमें हर प्रकार का आइटम मिलता है। आप चाहें तो रुक के शॉपिंग कर सकते हैं। वैसे तो हम 20-25 मिनट में सांता क्रूज से जुहू बीच पहुंच सकते हैं, लेकिन आज शाम का टाइम है, इसके लिए ट्रैफिक बहुत है, तो ऑटो हमारा थोड़ा रुक रुक के चल रहा है, इसलिए पहुंचने में टाइम लग रहा है। आपको ऑटो में ही रिकॉर्डिंग करके मैं सांता क्रूज और जुहू बीच की जो दूरी है उसको काफ़ी अच्छे से दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो बस अब थोड़ी ही देर में आने वाला है, लगभग 5 मिनट में हम लोग जुहू बीच पहुंच जाएंगे। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन पहुंच चुके हैं और ऑटो से उतर गए हैं। अब सीधे चलते हैं। आपको दिख रहा होगा यहाँ से कि आज जुहू बीच में बहुत ही भीड़ है, पता नहीं क्या कारण है, बट रहती है हमेशा भीड़, पर आज कुछ ज़्यादा ही मुझे लग रही है। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हम लोग जुहू बीच पानी की तरफ जाते हुए। एक्चुअली ये शाम का टाइम है इसलिए बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। आप देख सकते हैं सनसेट का टाइम है और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में भीड़ है। तो चलिए हम लोग भी पानी की तरफ चलते हैं और थोड़ा एंजॉय करते हैं। सो
सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं शाम के टाइम में ये समुद्र की उठती हुई लहरें, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। चलिए आपको थोड़ा हर तरफ से दिखाने की कोशिश करती हूँ। सो फ्रेंड्स आप देखिए थोड़ी थोड़ी रात और बढ़ती जा रही है, मतलब टाइम करीब 7 बजे होगा और सूर्य भी थोड़ा और ढलते जा रहे हैं, इसके लिए दृश्य और भी खूबसूरत होता जा रहा है। तो ये देखिए अब सनसेट पॉइंट जुहू बीच से, बहुत ही सुंदर। तो फ्रेंड्स अब थोड़ा रात होने का टाइम हो गया है और ये देखिए यहाँ पे सब कुछ आपको मिल जाएगा खाने पीने के लिए, बच्चों के टॉयज सब कुछ मिलता है। तो चलते हैं हम लोग भी थोड़ा कुछ खा पी लेते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं जुहू बीच के फूड एरिया में, यहाँ पे आपको हर प्रकार का फास्ट फूड आइटम, भेलपूरी, पाव भाजी सब कुछ मिलता है। सो आप जब कभी भी आए यहाँ पे ज़रूर आइए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स अभी जुहू बीच कंप्लीट हो गया है और हम अब वापस जाने की तैयारी है। सो आपको जैसे बताया कि आज बहुत भीड़ थी तो ऑटो कम ही मिल रहे हैं, इसके लिए थोड़ा सा एरिया मैंने पैदल चलकर कवर किया है और आपको दिखा रही हूँ। तो हेलो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिए और मेरे चैनल को लाइक करिए, प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स को शेयर भी करिए और लास्ट में थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।